खबर जयपुर से है। अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को लेकर मनु चौधरी के नेतृत्व में हजारों प्लेसमेंट एजेंसी और एनजीओ थ्रू लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों ने जयपुर में हुंकार भरी। अस्थायी कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता और काटा भी जाता है, पीएफ भी काटा जाता है। मनु चौधरी ने बताया कि आज भी दास प्रथा किसी न किसी रूप में जीवित है। एक बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करके इन्हें राहत दी जाए। इस बोर्ड के नोटिफिकेशन से सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी और बिचौलिया पद्धति खत्म होगी। बोर्ड के नोटिफिकेशन के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, धरना किया हम लोगों ने। RLSEC बोर्ड वो बोर्ड है जो ठेका प्रथा को खत्म कर देगा। आज भी समाज में, देश में, राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो दास प्रथा जिसको हम कहते थे वो आज भी जारी है। दास प्रथा के तहत ठेका कर्मी रखे जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ठेका कर्मी है, जिनको 3 से 4 हज़ार जो श्रम मंत्रालय की लिस्ट के अकॉर्डिंग न्यूनतम मजदूरी दर इन्हीं है, न्यूनतम मजदूरी दर इनको नहीं मिलती। 3-4 हज़ार रुपये में इनको पूरे महीने का खर्च चलाना पड़ता है। अगर ये बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसे इन्हें इस दासता से, इस गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। और ये बिचौलिया पद्धति जो होती है, इनकी सैलरी सरकार द्वारा अच्छी होती है लेकिन इन तक अच्छी पहुँच नहीं पाती है और वो अच्छे से पहुँच पाएगी। इसलिए हम इस RLSEC बोर्ड के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में लास्ट कैबिनेट मीटिंग में बन गया था, उसका बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। इसलिए भाजपा सरकार, बदलाव सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो संपूर्ण राजस्थान के 7 से 8 लाख ठेका कर्मी पूर्ण रूप से उसके सहयोग और समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए आज और हमारी आगे की जो रणनीति है वो यही है कि कैसे ना कैसे हम इस बोर्ड के नोटिफिकेशन के लिए प्रयास करें और सरकार तक अपनी मीडिया के माध्यम से और डेलीगेशन के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचाए ताकि मजबूती से इस कार्य को कर पाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोनू चौधरी है, अस्थायी कर्मचारी यूनियन राजस्थान।